नमस्कार दोस्तों, तो भारत के अंदर जो लॉकडाउन है वो कब तक समाप्त हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। और काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी भाइयों के लिए ये जो वीडियो है वो हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर अपने जो है वो दो टॉपिक मेनली कवर करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वर्तमान के अंदर जो कोरोना की स्थिति है वो क्या है, और इसके साथ साथ में बात करें तो इसके आधार पर मैं जो है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कब तक जो है वो जो लॉकडाउन है वो हट सकता है। और साथ ही साथ चीन से भी एक जो है वो बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है कोरोना से संबंधित, तो उसके ऊपर भी जो है वो अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किस तरह से देश के अंदर जो है वो कोरोना वायरस अब तक जो है वो फैल रहा है। तो यहाँ पर जो है वो 4421 मामले देश भर के अंदर कोरोना के कुल जो है वो सामने आ चुके हैं, यानी लगातार जो कोरोना वायरस है वो फैल रहा है। 4 दिनों के अंदर लगभग जो है वो डबल संख्या जो है वो हो रही है कोरोना संक्रमितों की। और यहाँ पर बात करें तो कोरोना के कारण देश के अंदर अभी तक कुल जो है वो 114 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है। तो ये बहुत ही बुरी खबर निकल करके सामने आ रही है, 114 लोग अपनी जान जो है वो इस खतरनाक वायरस की वजह से जो है वो गंवा चुके हैं। राजस्थान के अंदर बात करें तो यहाँ पर 325 जो है वो कुल कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट्स जो है वो आ चुकी हैं। तो यहाँ पे जो है वो राजस्थान के अंदर भी ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है। और वहीं अगर बात करें तो जयपुर के अंदर खासतौर से राजस्थान के अंदर ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ा है। जयपुर के अंदर जो संख्या है कोरोना पीड़ितों की वो लगातार बढ़ रही है। और CM योगी के द्वारा एक जो है वो बड़ा बयान हाल ही के दिनों के अंदर दिया गया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि क्रमबद्ध तरीके से जो है वो लॉकडाउन को हटाया जाना चाहिए, यानी पूरे देश के अंदर या पूरे राज्य के अंदर एक साथ जो है वो हो सकता है कि लॉकडाउन को न हटाया जाए। जिन जिलों के अंदर या जिन राज्यों के अंदर कम मामले आए हैं वहाँ पर पहले जो है वो लॉकडाउन को हटाया जा सकता है। और वहीं बात करें तो नए तरह का कोरोना जो है वो चीन के अंदर अभी दस्तक दे चुका है, काफ़ी मामले वहाँ पर जो है वो सामने भी आ चुके हैं इससे संबंधित। और इसी आधार पर जो है वो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि अभी जो है वो सरकार पूरी तरह से लॉकडाउन को न हटाए और क्रमबद्ध तरीके से जो है वो 14 तारीख के बाद में भी कुछ स्थानों के ऊपर, जैसे राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मामले हैं या जिन जिन स्थानों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मामले हैं वहाँ पर ये जो लॉकडाउन है वो अभी भी जो है वो जारी रह सकता है। उम्मीद करूँगा कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।